हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं, उनके मुख्य मुख्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सो देखिएगा, राजस्थान की चित्रकला कौन कौन सी है। ब्राउन महोदय के अनुसार देखिएगा, ब्राउन महोदय के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव राजपूताना शैली से माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किससे माना जाता है? राजपूताना शैली से। राजस्थान की विभिन्न चित्रकलाओं के अधिकांश चित्र गोपी कृष्ण कानोडिया संग्रहालय ने उदयपुर से संग्रहित हैं। कहां से? उदयपुर से ये संग्रहित किए गए। अब देखिए राजस्थान की कौन कौन सी चित्रकला की शैलियां हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले देखिए मेवाड़ चित्र शैली, दूसरी है मारवाड़ चित्र शैली, तीसरी है जोधपुर चित्र शैली, चौथी है ढूंढाड़ चित्र शैली, फिर है किशनगढ़ चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली और नाथद्वारा चित्र शैली। आगे है बीकानेर चित्र शैली, अलवर चित्र शैली। ये हो गई अपनी चित्र शैली। तो पहले अपन देखेंगे मेवाड़ चित्र शैली के बारे में, जो मुख्य रूप से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली है। मेवाड़ शैली राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली है, जो कि 1261 में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के काल में रचित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरणी इस शैली का प्रथम चित्र ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली का वास्तविक विकास महाराजा अमर सिंह के काल में सर्वाधिक हुआ। मेवाड़ चित्र शैली का वास्तविक विकास कब हुआ? महाराणा अमर सिंह के काल में सर्वाधिक हुआ। महाराजा अमर सिंह के काल में गीत गोविंद, रागमाला, भागवत, रामायण, महाभारत इत्यादि धार्मिक ग्रंथों के कथानकों पर चित्र बने थे। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग महाराजा जगत सिंह के काल को माना जाता है। मेवाड़ चित्र शैली के का स्वर्ण युग महाराजा जगत सिंह के काल को माना जाता है। मेवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक लाल एवं काले रंगों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल एवं काले रंगों का मेवाड़ चित्र शैली में प्रयोग हुआ है। मेवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक कदंब के वृक्षों का चित्रण हुआ है। मेवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक कदंब के वृक्षों का चित्रण हुआ है। मेवाड़ चित्र शैली में पंचतंत्र के कथानकों पर जो चित्र बने हैं, उन्हीं में से एक चित्र के दो नायकों का नाम कलीला और दमना है। यानी कि मेवाड़ चित्र शैली में पंचतंत्र के कथानों पर जो चित्र बने हो, उन्हीं से एक चित्र के दो नायकों का नाम है, जो है कौन कौन से हैं? कलीला और दमना। मेवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं। मेवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र उद्गृत किए गए हैं। आगे देखिएगा मारवाड़ चित्र शैली। मारवाड़ चित्र शैली 687 में शिवनाथ द्वारा बनाई गई धातु की मूर्ति, जो वर्तमान पिंडवाड़ा सिरोही में है। इस चित्र शैली का मूल आधार है मारवाड़ चित्र शैली में। ये देखिएगा 687 में श्रीनाथ द्वारा बनाई गई धातु की मूर्ति, जो पिंडवाड़ा सिरोही में इस चित्र शैली का मूल ये जो आधार है। मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक श्रृंगार रत्न प्रधान चित्र बने हुए हैं। मारवाड़ चित्र शैली में क्या बने हुए हैं? श्रृंगार रत्न। मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग किया गया। मेवाड़ में तो लाल काले का और इसमें लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना आप। मारवाड़ चित्र शैली में सर्वाधिक आम के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है। मारवाड़ चित्र शैली में कौन से वृक्षों का चित्रांकन हुआ है? आम के वृक्षों का। और मेवाड़ चित्र शैली में किसका हुआ है? कदंब के वृक्षों का। मारवाड़ चित्र शैली के नायक एवं नायिकाओं को गठिले कद काठी के चित्रांकित किया गया है। मारवाड़ चित्र शैली के नायक को गठिले कद काठियों के चित्रांकित किया गया है, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि गठिले स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से उन्हें चित्रांकित किया गया। मारवाड़ चित्र शैली में राग रागिनी, ढोला मारुति तथा धार्मिक ग्रंथों
कथानकों पर चित्र बने हुए हैं। राव मालदेव के काल में मारवाड़ चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। मुगल शैली से प्रभावित मारवाड़ चित्रशैली जोधपुर चित्रशैली कहलाई। 1623 में वीरजी नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया रागमाला का चित्र इस शैली का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। जोधपुर चित्र शैली, देखिएगा आगे जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर चित्र शैली को महाराजा सूर सिंह, महाराज जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह तथा महाराजा अभय सिंह ने संरक्षण दिया था। जोधपुर चित्र शैली को किसने? महाराजा सूर सिंह, महाराज जसवंत सिंह और महाराज अजीत सिंह द्वारा तथा महाराज अभय सिंह ने संरक्षण दिया था। महाराजा अभय सिंह के काल में जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। किसका सर्वाधिक विकास हुआ? जोधपुर शैली का, महाराजा अभय सिंह के काल में। आगे देखिएगा ढूंढाड़ शैली। जयपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित ढूंढाड़ चित्र शैली में लाल, पीले, हरे एवं सुनहरी रंगों को प्रधानता दी गई है। ढूंढाड़ चित्र शैली में चांदी तथा मूर्तियों का भी प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ शैली में किन किन का प्रयोग किया गया है? चांदी तथा मूर्तियों का भी प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ चित्र शैली में धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त लोक संस्कृति के ग्रंथों पर भी चित्रित बने हैं। ढूंढाड़ चित्र शैली का वह स्वरूप जिस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है वह आमेर चित्र शैली कहलाई है। राव भारमल के काल से आमेर चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है। किसके काल से आमेर चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है? राव भारमल के काल से। महाराजा मानसिंह के काल में आमेर चित्र शैली का वास्तविक विकास हुआ है। किसके काल में आमेर चित्र शैली का वास्तविक विकास हुआ है? महाराजा मानसिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह का काल आमेर चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। आमेर चित्र शैली में मोर, हाथी, पपीहा के साथ साथ पीपल एवं बड़ के पेड़ों का भी चित्रांकन किया गया है। पीपल के एवं बड़ के पेड़ों का चित्रांकन किया गया है आमेर चित्र शैली में। किशनगढ़ चित्र शैली, आगे देखिएगा किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान की राज्य प्रतिनिधि चित्र शैली मानी जाती है। किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान की राज्य प्रतिनिधि चित्र शैली मानी जाती है। किशनगढ़ के महाराजा जसावंत सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। किशनगढ़ के महाराजा जसावंत सिंह का काल किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है, जो इतिहास में नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। किसके नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? नागरी दास के नाम से। नागरी दास ने अपनी प्रेयसी बनीठनी की स्मृति में अनेकों चित्र बनवाए थे। किसने? नागरी दास ने अपनी प्रेयसी बनीठनी की स्मृति में अनेकों चित्र बनवाए थे। बनीठनी का प्रथम चित्र मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। बनीठनी का प्रथम चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनवाया गया था। बनीठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बनीठनी को राजस्थान की क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली एवं डॉक्टर एरिक डिक्सन को दिया जाता है। किस किस को दिया जाता है? डॉक्टर फयाज अली एवं डॉक्टर एरिक डिक्सन को दिया जाता है। इस शैली में सर्वाधिक नारियल का वृक्ष चित्रांकित किया गया। किशनगढ़ शैली में सबसे अधिक नारियल का वृक्ष चित्रांकित किया गया है। इस चित्र शैली में किशनगढ़ का स्थानीय गोदाला तालाब भी चित्रांकित किया गया है। इस चित्र शैली में किशनगढ़ का स्थानीय गोदाला तालाब चित्रांकित किया गया है। आगे देखिएगा बूंदी चित्र शैली। बूंदी चित्र शैली हाड़ौती की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। बूंदी चित्र शैली हाड़ौती की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षी एवं पेड़ों के चित्र बने हैं। बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षी एवं
पेड़ पौधों के वृक्ष बने हुए हैं, चित्र बने हुए। पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व इसी चित्र शैली में दिया गया है। सर्वाधिक महत्व पशु पक्षियों को कौन सी शैली में दिया गया है? बूंदी शैली में। बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक धार्मिक कथानकों पर चित्र बने हैं। बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक चंपा के वृक्षों का चित्रांकन किया गया है। बूंदी चित्र शैली में लाल, पीले एवं हरे रंग को महत्व दिया गया है। राव सुरजन सिंह हाड़ा के काल में बूंदी चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। महाराव उम्मेद सिंह के काल में बना चित्रशाला इस शैली का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। बूंदी चित्र शैली से ही कोटा चित्र शैली का उद्भव हुआ है। कोटा चित्र शैली का उद्भव किस शैली से हुआ है? बूंदी शैली से। आगे है नाथद्वारा चित्र शैली। देखिएगा नाथद्वारा चित्र शैली 1672 में महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसंबंध के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ ही नाथद्वारा शैली का विकास हुआ, जिसे वल्लभ चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। नाथद्वारा शैली के मेवाड़ की वीरता, किशनगढ़ का श्रृंगार तथा ब्रज के प्रेम भी समन्वित अभिव्यक्ति हुई है। नाथद्वारा चित्र शैली में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सर्वाधिक चित्र बने हैं। नाथद्वारा शैली में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं, जो आज भी देखने को मिलते हैं। आगे है बीकानेर चित्र शैली। बीकानेर चित्र मारवाड़ की शैली की ही उप शैली के रूप में विकसित बीकानेर चित्र शैली के कलाकारों का उस्ताद कहा जाता है। मारवाड़ की शैली की ही उप शैली के रूप में विकसित बीकानेर चित्र शैली के कलाकारों को क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। राजस्थान में बीकानेर एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें चित्रकारों ने चित्र के साथ अपने नाम भी लिखे। महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। महाराजा अनूप सिंह के काल बीकानेर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। बीकानेर चित्र शैली में भी दरबार, शिकार तथा वन उपवन के चित्र बने हुए हैं। बीकानेर चित्र शैली में धार्मिक ग्रंथों की कथानकों पर ही महाराजा करणी सिंह के काल में सर्वाधिक चित्र बने थे। किसके काल में? महाराजा करणी सिंह के काल में। अब आगे है अलवर शैली। अलवर शैली आमेर तथा दिल्ली चित्र शैली की मिश्रित रूप में विकसित चित्र शैली है। कौन सी? अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगल चित्र शैली का प्रभाव पड़ा है। अलवर चित्र शैली पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? मुगल चित्र शैली का प्रभाव पड़ा है। अलवर चित्र शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें मुगल गणिकाओं के भी चित्र बने हैं। महाराजा बख्तावर सिंह के काल में अलवर चित्र शैली को मौलिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। महाराजा जो बख्तावर सिंह थे उसके काल में अलवर चित्र शैली को मौलिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्र शैली का स्वर्णयुग माना जाता है। जो महाराजा विनय सिंह थे उनका काल अलवर चित्र शैली का स्वर्णयुग माना जाता है। राजस्थान में मुगल बादशाहों के चित्र भी केवल अलवर शैली में चित्रित हैं। जो मुगल बादशाह थे उनके चित्र भी कौन सी शैली में उद्गृत हैं? अलवर चित्र शैली में। तो ये हो गई अपनी राजस्थान की मुख्य मुख्य जो चित्र शैलियां हैं वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से इनका अध्ययन करिएगा और अगर कुछ नए समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।